बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। और बच्चों आप देख रहे थे, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं और मैं कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके साथ लगातार हूं। बच्चों आज की क्लास में आपको ईथर के निर्माण के लिए विलियमसन संश्लेषण विधि बताने वाला हूं। और आज की क्लास में बच्चों हम ईथर के रासायनिक गुणों से भी रूबरू होंगे। तो बच्चों मैं सबसे पहले आज आपको ईथर के निर्माण के लिए विलियमसन संश्लेषण विधि बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। बच्चों ईथर के निर्माण की विलियमसन संश्लेषण की विधि में सबसे पहले हमको बच्चों अभिकारक के रूप में जो पदार्थ लेने हैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। अभिकारक बच्चों, अभिकारक के रूप में सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे एल्किल हैलाइड का, ठीक है, एल्किल हैलाइड का। इसके अलावा बच्चों हमको आवश्यकता होगी सोडियम इथोक्साइड, सोडियम एथो ऑक्साइड। बच्चों इन दो पदार्थों की आपसी क्रिया हम कराएंगे और इनकी आपसी क्रिया से हम उत्पादक के रूप में हम ईथर का निर्माण कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी संक्षिप्त सी रूपरेखा हमने तैयार की। बच्चों इस पूरे ड्यूरेशन में आप याद रखिए उत्प्रेरक का भी एक महत्वपूर्ण रोल होगा और हम यहां पर जो उत्प्रेरक इस्तेमाल करेंगे ना वो कोई भी एल्कोहल होना चाहिए, एल्कोहल, ठीक है, या कोई भी एल्कोहलिक पदार्थ हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक उत्प्रेरक के रूप में। तो बच्चों ये एक बहुत संक्षिप्त सी बात मैंने आपके सामने रखी। अब आपको क्रिया का पद रासायनिक समीकरण के रूप में एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विलियमसन संश्लेषण विधि, विलियमसन संश्लेषण विधि, ईथर का निर्माण। बच्चों रासायनिक समीकरण आपके सामने लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ले लीजिए एल्किल हैलाइड, मैंने ले लिया C2H5Cl। बच्चों इसकी क्रिया हम सोडियम इथोक्साइड के साथ करा देंगे, मैं ले लेता हूं NaOC2H5। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको एल्कोहल एज अ उत्प्रेरक इस्तेमाल करना है उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, आप कोई भी एल्कोहल इस्तेमाल कर लीजिए। सामान्य से 50 डिग्री सेल्सियस ताप आपको रखना होगा अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए। बच्चों अब क्या होगा इस क्रिया में, सबसे पहले यह हैलोजन वाला जो भाग है ये सोडियम वाले भाग से क्रिया करके, यानी जो Na है वो Cl से क्रिया करेगा और सबसे पहले ये बदल जाएगा बच्चों NaCl में, ठीक है, इस तरह से प्लस। बच्चों जैसे ही सोडियम क्लोराइड निकलेगा शेष पार्ट होगा C2H5 और यहां से ये OC2H5, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ अभिकृत होकर संयुक्त तो हो जाएंगे और हमको पदार्थ प्राप्त होगा C2H5O C2H5। बच्चों ये जो पदार्थ बनेगा इस पदार्थ को हम बोलेंगे डाई एथिल ईथर। बच्चों इस तरह से हम डाई एथिल ईथर का क्या कर सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे। बच्चों इस तरह से ये विधि जो मैंने आपके सामने रखा आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ईथर बना ये ईथर एक किस तरह का ईथर है बच्चों, ये एक तरह का सरल ईथर है, ठीक है, ये एक तरह का सरल ईथर है जिसको हम सममित ईथर के रूप में भी जानते हैं। बच्चों ये एक तरह का सरल ईथर है जिसको आप सममित ईथर के नाम से भी जानते हो, ये एक तरह का सममित ईथर भी है।
तो बच्चों ध्यान से समझने वाली बात है कि विलियमसन संश्लेषण जो विधि है इस तरह से कंडक्ट होगी। एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और समझाना चाहता हूं, आप भी ध्यान दीजिए कि बच्चों जो विलियमसन संश्लेषण विधि है ना, ये विधि दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकती है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये जो मैंने आपके सामने अभी शब्द रखे कि विलियमसन संश्लेषण की जो विधि है ये दोनों ही प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकती है, दोनों ही प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकती है से तात्पर्य है बच्चों, जैसे एक समीकरण के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने डाइएथिल ईथर कैसे बनाया, और जो डाइएथिल ईथर है वो एक तरह का सरल ईथर है, तो क्या हम इस विधि का प्रयोग करके मिश्रित या असममित ईथर का निर्माण भी कर सकते हैं? तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि हां, हम बिल्कुल सममित ईथर के साथ साथ असममित ईथर का निर्माण भी कर सकते हैं। बच्चों समझने वाला एक महत्वपूर्ण पद है और जो बात है वो ये होती है कि सपोज एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईथर के निर्माण के लिए विलियमसन संश्लेषण की जो विधि है वो आपको समझानी है, तो सामान्यता जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि एक पद विलियमसन विधि का एक पद जो है वो समझा देते हैं और एक इक्वेशंस एक्सप्लेन कर लेते हैं, और होता यह है कि फिर जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो वहां पर उनके कुछ मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि आपने उसके पूरे पदों को एक्सप्लेन नहीं किया होता है। आपको ये बातें बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप एक अच्छा स्कोर करें। आपने जब लिखा है तो कुछ चीजें छोड़ देने की वजह से आपके मार्क्स ना कटे, आपको वो चीजें पूरी मिले, आपने जितना लिखा है उतने अनुसार आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बच्चों इसीलिए मैं इस बात पर बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई विधि एग्जाम में आ रही है जहां पर उसके संदर्भ में एक से ज्यादा बातें हैं तो एटलीस्ट वो सारी बातें आप मेंशन भी करने की कोशिश किया करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विलियमसन संश्लेषण जो विधि है ना, ये क्या करती है, ये दोनों तरह के ईथर यानी सममित और असममित दोनों तरह के ईथर बना सकती है। तो मैंने आपको पहले इक्वेशन के द्वारा सममित ईथर का निर्माण सिखा दिया, मैं दूसरा इक्वेशन भी ले लेता हूं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण लेने के लिए मैंने C2H5Cl लिया, मैं इस बार एलोक्साइड चेंज कर देता हूं तो मैं सोडियम मिथॉक्साइड ले लेता हूं इस बार NaO और CH3, जबकि बच्चों मेरा जो उत्प्रेरक है वो सेम रहने वाला, उत्प्रेरक मैं नहीं बदलूंगा, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए अभी भी। ठीक है, अभी भी मुझे कोई अल्कोहल चाहिए, सामान्य से अधिक 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होगी। बच्चों अब क्या होगा इस अभिक्रिया में, वही ठीक है जो हैलोजन वाला पार्ट है वो सोडियम वाले भाग से क्रिया कर जाएगा और सबसे पहले ये सोडियम क्लोराइड बनाकर मुक्त हो जाएगा NaCl के रूप में, प्लस शेष बचेगा बच्चों आपके पास C2H5 वाला पद, ये OCH3 वाले पद से जुड़ जाएगा C2H5OCH3। बच्चों इस तरह से ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मेथिल एथिल ईथर। बच्चों ये जो मेथिल एथिल ईथर बना, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझे कि ये एक तरह का मिश्रित ईथर है, ये मिश्रित ईथर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलियमसन संश्लेषण विधि सममित और असममित, सरल और मिश्रित दोनों ही प्रकार के ईथर बनाने में सक्षम है, तो मैंने आपको दोनों ही प्रकार के ईथर बनाकर दिखाए हुए। बच्चों हम आगे चलेंगे, ईथर के कुछ रासायनिक गुणों पर भी आज हम चर्चा करेंगे, तो देखेंगे ईथर के रासायनिक गुण। बच्चों ईथर के रासायनिक गुण में
सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ईथर की वायु से क्रिया, ईथर की वायु से क्रिया। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है, ईथर की वायु से क्रिया, तो ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिए। बच्चों जब भी आप रासायनिक समीकरण की चर्चा करेंगे तो रासायनिक समीकरण किसके हैं? ईथर के, यानी सबसे पहले आप यहां पर ईथर का होना अनिवार्य है। हमने आपको बता दिया कि ईथर की वायु से क्रिया होनी है, यानी ईथर की आप किससे क्रिया दिखाएंगे? वायु से, ठीक है। तो आप यहां पर ईथर ले लीजिए सबसे पहले। अब यहां पर बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि मैंने सिर्फ ईथर बोला है तो आप कौन सा ईथर लोगे। ईथर तो कई तरह के हैं, जैसे सबसे पहले हम दो प्रकार के ईथर के बारे में जानते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। अब सम्मित ईथर में भी कई तरह के हैं, डाइमेथिल ईथर है, डाइएथिल ईथर है, डाइप्रोपिल ईथर है, डाइब्यूटिल ईथर है। असम्मित ईथर भी कई तरह के हैं, मेथिल एथिल ईथर है, एथिल प्रोपिल ईथर है, एथिल मेथिल ईथर है, ठीक है, फेनिल प्रोपिल ईथर है। तो बच्चों अब इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा ईथर आप इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो इक्वेशंस प्रयोगशाला विधि, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमने प्रयोगशाला विधि में जिस ईथर का निर्माण किया था उस ईथर को लेकर ही अब आप अपनी बाकी की इक्वेशंस को समझाइए। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रयोगशाला विधि में विलियमसन की सतत ईथरीकरण की जो प्रयोगशाला विधि थी उसमें मैंने आपको डाइएथिल ईथर का निर्माण सिखाया था। यानी कि मुख्यतः जब आप रासायनिक समीकरण को लेकर चलेंगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रयोगशाला विधि में आपने जिस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण किया होगा आपको उसी कंपाउंड को लेकर बाकी इक्वेशंस के रासायनिक समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं तो आप कभी कोई गलती नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ईथर की वायु से क्रिया में मैं डाइएथिल ईथर ले लेता हूं सबसे पहले। तो मैंने ले लिया C2H5, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 और एको। बच्चों इस कंपाउंड को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है और वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C2H5 फिर C2H5, और बच्चों ये एक ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो मैंने एक ऑक्सीजन लिख दिया। आप इसको इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। बच्चों डाइमेथिल जो डाई एथिल है वो एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और वो जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है उस ऑक्सीजन के पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपलब्ध हैं। उसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। बच्चों हम जैसे ही इसकी वायु से क्रिया करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे इसकी O2 से, ये क्रिया सूर्य से प्राप्त होने वाले परावैगनी, ठीक है, परावैगनी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव में होगी, ठीक है। जो परावैगनी प्रकाश होगा उस परावैगनी प्रकाश के प्रभाव में यह क्रिया होगी, के साथ यह क्रिया होगी। बच्चों यहां पर डाइएथिल ईथर के मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, क्या होगा, यह वाला जो ऑक्सीजन है अपना एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के परमाणु को, यानी कि जो वायु है उसको ये दान करेगा और उसके साथ ये उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। और जब ये उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो उसके बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, C2H5 ब्रैकेट 2 और यहां पे आ जाएगा O2, और ये पूरे कंपाउंड 2 times बनेंगे। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है इसको लिखने का एक तरीका और भी होगा जो कि आपको यहां पर संदर्भित होगा इस इक्वेशन के साथ। तो बच्चों ये क्रिया कुछ इस तरह से दिखेगी, C2H5 फिर C2H5, इसके साथ जुड़ा था O, फिर एक तीर का निशान लगा के एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो बच्चों यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आप देख सकते हैं कि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ना वो ईथर ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, दान कर दिया, और उसके साथ जुड़कर उसने क्या बना दिया, उपसहसंयोजक बंध बनाकर उसको अपने साथ जोड़ लिया। तो बच्चों इस तरह से जब ईथर वायु से क्रिया करेंगे तो आंसर के रूप में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ईथर जब वायु से क्रिया करेंगे तो ये बदल जाएंगे पर ऑक्साइड में, ये ईथर पर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं बच्चों, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो अगली अभिक्रिया के पास चलता हूं जल्दी से।
बच्चों दूसरी अभिक्रिया है ईथर की ऑक्सीजन से क्रिया। अब आप बोलेंगे वायु से क्रिया और ऑक्सीजन से क्रिया में क्या अंतर है, तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अभिक्रियाओं में थोड़ा सा डिफरेंस है, उनके प्रयोग में उनके इस्तेमाल में थोड़ा सा अंतर, इसलिए वो अंतर आपको दिखेगा। तो बच्चों जब ईथर की ऑक्सीजन से क्रिया आएगी तो भी आप समझ लीजिए कि ईथर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब भी ये क्या बना लेगा, ये पर ऑक्साइड बना लेगा। अभी भी बनने का जो कंपाउंड है वो वही बनने वाला है, ईथर पर ऑक्साइड ही बनेगा। देखिए ध्यान से, फिर से बच्चों मैंने ले लिया C2H5 और C2H5, ये एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। बच्चों जब वायु से क्रिया होगी तो आप ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल अणु ना लेकर आप यहां पे नवजात ऑक्सीजन लेंगे, यानी आप एक ऑक्सीजन लेंगे और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और आप कहेंगे ये कैसा है, ये नवजात है। बच्चों नवजात का मतलब होता है जिसने अभी अभी हाल ही में जन्म लिया हो या अभिक्रिया में जिसको अभी उत्पन्न किया गया हो, है ना, वो नवजात होगा। तो ये एक ऐसा ऑक्सीजन परमाणु होगा जिसको हम अभिक्रिया के टाइम पर ही एक अणु से तोड़कर परमाणु में बदलेंगे, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऐसा जो परमाणु होगा ऑक्सीजन का वो नवजात कहलाएगा। तो जब ईथर की ऑक्सीजन से क्रिया होगी तब आपको नवजात ऑक्सीजन से क्रिया दिखानी है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस था कि वायु से क्रिया में क्या होना था वो पहले वाला इक्वेशन था, ऑक्सीजन से क्रिया होनी है तो ये सेकंड वाला इक्वेशन है। बाकी दोनों में ही बनेगा परऑक्साइड, तो अभी भी परऑक्साइड बनेगा बच्चों, सिंपल ये कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा C2H5। ये O से कनेक्ट होगा, फिर तीर का निशान लगा के एक ऑक्सीजन लिख देंगे। इस कंपाउंड को लिखने का तरीका होगा बच्चों C2H5(2) और फिर O2, ये बन जाएगा डाइएथिल ईथर परऑक्साइड। होप सो आपको आज मेरी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपसे अगले टॉपिक को लेकर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।